Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले कंटिन्यू वीडियो से बात कर रहे हैं राजस्थान में परिवहन की। राजस्थान में सड़क परिवहन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सड़क परिवहन की। और सड़क परिवहन में हमने बात की है एक्सप्रेसवे व एनएच यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की। जो इम्पोर्टेंट थे 25-26 वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम की, जो बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से बहुत अच्छे क्यों सुनाते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम 1999-2000 किसके शासनकाल में? तो भारत का उस समय प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम 1999-2000 अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बात करते हैं उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था कि सड़क परिवहन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जो मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का, वो था सड़क परिवहन के माध्यम से आर्थिक विकास को क्या देना? बढ़ावा देना। उसके बाद में यहाँ से अगला कुछ क्वेश्चन बनता है कि सहयोग किसने किया था? तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम में सहयोग तो विश्व बैंक, एशियाई बैंक और जापान, किन ने सहयोग किया था? विश्व बैंक, एशियाई बैंक व जापान ने क्या किया था? सहयोग किया था। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम था, इसको निर्माण हुआ था दो चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा हुआ था? इसका दो चरणों में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण किसका हुआ था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण, अर्थात भारत के बड़े चार महानगरों को जोड़ा गया था। किस योजना के अकॉर्डिंग? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और इसका निर्माण हुआ था राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के प्रथम चरण में। किस में हुआ था? प्रथम चरण में। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 2001। कब हुई थी? 2001। और जो इसका निर्माण था वो हुआ था 2012 में पूर्ण। कब हुआ था? 2012 में पूर्ण। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में और 2012 में क्या हुआ था? निर्माण पूर्ण हुआ था। आगे बात करते हैं द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण की बात की जाए दोस्तों, तो इसे भी कितने भागों में वापस डिवाइड कर दिया गया? प्रथम चरण, या यूँ बता सकते हैं कि जो द्वितीय चरण था इसका भी वापस कितने चरणों में निर्माण हुआ? दो चरणों में, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण में बना था पूर्व से पश्चिम गलियारा, पूर्व से पश्चिम गलियारा या कॉरिडोर। और जो द्वितीय चरण था इसमें था उत्तर से दक्षिण गलियारा, उत्तर से दक्षिण गलियारा। ठीक है, एक बार वापस सुने, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी 1999 से
2008 बिहारी वाजपेयी के समय, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था सड़क परिवहन के माध्यम से आर्थिक विकास को क्या देना, बढ़ावा देना। उसके बाद में बात करते हैं सहयोग, तो सहयोग क्या था, विश्व बैंक ने, एशिया विकास बैंक ने और जापान ने, और इसका निर्माण हुआ था दो चरणों में। कितने चरणों में, दो चरणों में। प्रथम चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का अर्थात भारत के चार बड़े महानगरों को जोड़ा गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में और निर्माण कब हुआ था, 2012 में। जबकि द्वितीय चरण की बात की जाए तो द्वितीय चरण का निर्माण भी कितने चरणों में पूर्ण हुआ था, दो चरण में। प्रथम चरण में पूर्व से पश्चिम गलियारा और द्वितीय चरण में उत्तर से दक्षिण गलियारा। दोस्तों इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में मैंने आपको बताया था NH-8 के समय NH-48 और NH-48 में एक लाइन लिखाई थी कि यह राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का क्या है, भाग है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का तो वो NH-8 इसलिए पढ़ रहे हैं। प्रथम चरण में इधर पूर्व से पश्चिम गलियारे की बात की जाए, पूर्व से पश्चिम गलियारे की, तो NH-27 आएगा जो पिंडवाड़ा से अब इलाहाबाद तक जाता है, उसकी बात करेंगे जो राजस्थान के जिलों से गुजरता है। द्वितीय चरण में उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, इसमें भी राजस्थान का एक NH-8 है, कौन सा, NH-3। तो अब इनकी बात करते हैं कि तो सबसे पहले लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना या प्रथम चरण। तो देखो कौन से चार बड़े महानगरों को जोड़ा गया था, प्रथम चरण, और प्रथम चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रथम चरण, और प्रथम चरण में भी बताया आपको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है। और इसमें भारत के चार बड़े महानगरों को जोड़ा गया था, शुरुआत 2001 से पूर्ण 2012 में, तो वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। भारत के चार बड़े महानगर, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली। जो दिल्ली से मुंबई तक है इस NH का नाम है NH-8। दिल्ली को जो मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग वो कौन सा है, NH-8। जबकि मुंबई से चेन्नई के मध्य बात की जाए तो मुंबई से जो चेन्नई के मध्य है वो कौन सा है, NH-4, NH-4, और चेन्नई से कोलकाता NH-5, और दिल्ली से कोलकाता की बात की जाए तो NH-2। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कितने नगरों को शामिल किया था, चार नगरों को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली से मुंबई NH-8, मुंबई से चेन्नई NH-4, चेन्नई से कोलकाता NH-5 और कोलकाता से दिल्ली NH-2। तो इन चार महानगरों को किसमें सम्मिलित किया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में। अब बात की जाए कि इनका निर्माण भी कितने चरणों में पूर्ण हुआ था, तो चार चरणों में। कितने चरणों में निर्माण पूर्ण हुआ था, चार चरणों में। तो प्रथम चरण में, प्रथम चरण में तो आंसर देना है चेन्नई से कोलकाता। द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण में कोलकाता से दिल्ली। तृतीय चरण, तो तृतीय चरण में चेन्नई से मुंबई। और चतुर्थ या चौथा चरण, उसमें दिल्ली से मुंबई। ये चार चरण की दिल्ली जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी इस पर भी पुनः कितने चरण चले थे, चार। प्रथम चरण में किस NH का निर्माण हुआ, तो NH-5 या चेन्नई से कोलकाता। द्वितीय चरण की बात की जाए तो NH-2 या कोलकाता से दिल्ली या दिल्ली से कोलकाता। तृतीय चरण में मुंबई से चेन्नई या किस NH का निर्माण, तो NH-4 का। और चौथे चरण की बात की जाए तो दिल्ली से मुंबई और NH-8 का। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 5,846 किलोमीटर। ये थी क्या, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में देखो यहाँ पर एक NH आ रहा है जिसका नाम क्या है, NH-8।
और यह NH8 जब अपन एक्सप्रेस वे पढ़े थे उस समय बात की थी NH8 की, और इस NH8 को कितने भागों में डिवाइड किया था, दो भागों में डिवाइड किया था, 48 व 58। जो 48 था वो किसका भाग था, NH स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का, और 48 ना मिले तो आंसर क्या करना है, NH8। तो पहले अब इसको पढ़ते हैं NH8 को पुनः एक बार। NH8 जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का, या अपन बता सकते हैं दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा NH8। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि इस NH8 या दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है, इसकी कुल लंबाई तो वो है 1483 किलोमीटर। कितनी है, 1483 किलोमीटर। इस 1483 में से राजस्थान में तो वो है 578 किलोमीटर। कितनी है, 578 किलोमीटर। अर्थात अपन बता सकते हैं कि संपूर्ण का लगभग 39% है। कितना है, संपूर्ण लंबाई का 39% कुल लंबाई दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे की, तो 1483, राजस्थान में कितनी है 578, और इस 578 का या 1483 का कुल परसेंट पूछा जाए तो 39% लगभग दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे की लंबाई कहाँ है, राजस्थान में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से शुभारम्भ, तो इसका शुभारंभ हुआ था 2006 में। कब हुआ था, 2006 में। और सहयोग की बात की जाए, सहयोग तो सहयोग किया था जापान व दक्षिणी कोरिया ने। किसने किया था, जापान व दक्षिणी कोरिया ने इसमें क्या किया था, सहयोग किया था। अब राजस्थान में बात की जाए कि जो NH8 है, तो NH8 पर राजस्थान में कितने चरणों में निर्माण पूर्ण हुआ और किन किन शहरों को शामिल किया, तो अब उनकी बात करते हैं। तो एक बार वापस सुने, NH8 दिल्ली टू मुंबई औद्योगिक गलियारा, कुल लंबाई 1483 किलोमीटर, राजस्थान में 578, संपूर्ण का 39%, शुभारंभ 2006, और सहयोग जापान व दक्षिणी कोरिया ने किया था। अब बात करते हैं राजस्थान में जो 578 है इस पर कितने चरण चलाए गए और वो चरण कौन कौन से या किन किन क्षेत्रों को शामिल किया, तो वो चरण देखते हैं। दिल्ली मुंबई, दिल्ली से मुंबई, और ये क्या था, NH8 या NH48 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग या दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का पार्ट, जो राजस्थान में कितना है 578। अब बात करते हैं कि इसमें पांच चरणों में, कितने चरणों में, पांच चरणों में या पांच चरण चले, और इन पांच चरणों में राजस्थान के किस चरण में किसको शामिल किया गया, तो प्रथम चरण में खुसखेड़ा, निमराना और भिवाड़ी, तीनवीं क्षेत्र कहाँ है, अलवर में, और ये था प्रथम चरण। कौन सा चरण था, प्रथम चरण। प्रथम चरण में अलवर के तीन क्षेत्र शामिल हुए, खुसखेड़ा, निमराना व भिवाड़ी, कहाँ है, अलवर में, और ये कौन सा चरण था, प्रथम चरण था। द्वितीय चरण की बात की जाए, द्वितीय चरण तो वे थे पाली, मारवाड़ और जोधपुर, जोधपुर, और ये था द्वितीय चरण। कौन सा चरण था, द्वितीय चरण, प्रथम चरण में खुसखेड़ा, निमराना व भिवाड़ी, द्वितीय चरण में पाली, मारवाड़ व जोधपुर। तृतीय चरण की बात करें तो किशनगढ़ और अजमेर,
ये था तृतीय चरण। तृतीय चरण में किसको शामिल किया? किशनगढ़ व अजमेर को। उसके बाद में बात करें चतुर्थ चरण की या चौथे चरण की, तो इसमें राजसमंद व भीलवाड़ा या भीलवाड़ा व राजसमंद, और ये था चतुर्थ चरण। पांचवें चरण की बात की जाए तो पांचवें चरण में जयपुर व दौसा, जयपुर और दौसा, ये था पांचवा चरण। तो दोस्तों यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के प्रथम चरण में किन क्षेत्रों को शामिल किया है या किन को नहीं किया है। तो प्रथम चरण में अर्थात इस पर कुल कितने चरण हो गए? पांच चरण हो गए। और इन पांच चरणों में प्रथम चरण में किसको शामिल किया था? खुसखेड़ा, निमराना व भिवाड़ी को। तो तीनों क्षेत्र कहाँ हैं? अलवर में। द्वितीय चरण की बात की जाए तो द्वितीय चरण में पाली, मारवाड़ व जोधपुर को शामिल किया था। तृतीय चरण में किशनगढ़ व अजमेर को शामिल किया था। चौथे चरण में भीलवाड़ा व राजसमंद को शामिल किया था। और पांचवें चरण में जयपुर व दौसा को शामिल किया था। तो ये था आपका दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो राजस्थान से गुजरता है। आगे बात करते हैं द्वितीय चरण की। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण में पुनः दो चरण चले थे, प्रथम व द्वितीय। और प्रथम चरण में निर्माण हुआ था पूर्व से पश्चिम गलियारे का, जबकि द्वितीय चरण में निर्माण हुआ था वो हुआ था उत्तर से दक्षिण। तो द्वितीय चरण, और द्वितीय चरण में अपन लेते हैं प्रथम चरण, और प्रथम चरण में निर्माण पूर्व से पश्चिम गलियारा, से पश्चिम गलियारा। जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के द्वितीय चरण था उसको कितने भागों में डिवाइड किया था? दो में, प्रथम चरण हुए द्वितीय चरण। और प्रथम चरण में किसका विकास हुआ था? तो पूर्व से पश्चिम गलियारा, जो पोरबंदर से शुरू होता है और सिलचर असोम तक जाता है। पोरबंदर गुजरात और ये जाता है सिलचर, सिलचर असम। किस राज्य तक? असम, गुजरात से सिलचर। अब बात करते हैं कि जो पूर्व से पश्चिम गलियारा है, इस पूर्व से पश्चिम गलियारे का राजस्थान का कौन सा एनएच शामिल है, या पूर्व से पश्चिम गलियारे में राजस्थान का कौन सा एनएच शामिल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहाँ से याद रखना इस चीज़ को कि पूर्व से पश्चिम गलियारे का राजस्थान का कौन सा एनएच शामिल है। तो वो एनएच है, वो है एनएच छिंतर। कौन सा है? एनएच छिंतर, जिसे एनएच 27 के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा है? एनएच छिंतर या 27, परिवर्तित नाम या न्यू नाम क्या है इसका? 27। जो ये एनएच छिंतर है या 27 है, यह कहाँ से शुरू होता है राजस्थान में और कहाँ तक है? तो यह है पिंडवाड़ा। तो ये एनएच जैसे यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, पिंडवाड़ा एनएच छिंतर कहाँ से शुरू होता है? पिंडवाड़ा सिरोही से, और यह जाता है इलाहाबाद, इलाहाबाद। इसी पूर्व से पश्चिम गलियारे का एक राजस्थान का एनएच शामिल है। कौन सा है? एनएच छिंतरिया 27, जो शुरू होता है पिंडवाड़ा सिरोही से इलाहाबाद तक। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि एनएच छिंतर में राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल है। तो नंबर एक तो कौन सा आ जाएगा? सिरोही। सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में बूंदी, और बूंदी के बाद कोटा, और अंत में बारा के रास्ते कहाँ प्रवेश कर जाता है वो। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा। तो ये दोस्तों यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार इनका पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम क्रम के एनएच छिंतरिया में राजस्थान के पूर्व से पश्चिम क्रम के जिलों का क्रम बताइए, या पूर्व से पश्चिम इन जिलों का क्या बताइए? क्रम। यह एनएच छिंतर राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है या किससे नहीं होता है? तो देखो ये सिरोही,
उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा व बारा। तो ये 7 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है NH 77? 7 जिलों से, जो किसका पार्ट है? पूर्व से पश्चिम गलियारे का। कौन सा NH? NH 77 या परिवर्तित नाम क्या है? NH 27। तो ये द्वितीय चरण में कौन सा चरण था? प्रथम चरण, जिसमें राजस्थान का NH 77 था। आगे जो अगला जो आता है वो आता है, यदि इसकी कुल लंबाई पूछ ले, कुल लंबाई तो वो है 3300 किलोमीटर। कितनी है? 3300 किलोमीटर। NH 77 की नहीं है ये, है पोरबंदर से लेकर सिलचर तक, जो अर्थात पूर्व से पश्चिम गलियारे की कुल लंबाई कितनी है? 3300 किलोमीटर। आगे बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण में निर्माण हुआ था उत्तर से दक्षिण गलियारे का। किसका हुआ था? उत्तर से दक्षिण गलियारा। जो उत्तर से दक्षिण गलियारा था, उत्तर से दक्षिण द्वितीय चरण, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये था उत्तर से दक्षिण गलियारे में। अब बात यहाँ पर यू क्वेश्चन बनता है कि उत्तर से दक्षिण गलियारे में, जैसे पूर्व से पश्चिम गलियारे में राजस्थान का कौन सा NH शामिल था? NH 77। उसी तरह यदि आप अपना जो ये क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण गलियारे का, इसमें आता है राजस्थान का NH 3। कौन सा NH आता है? NH 3, जो धौलपुर जिले से गुजरता है। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? एक ही जिले से गुजरता है। और किस जिले से गुजरता है? धौलपुर जिले से गुजरता है। और जिसकी लंबाई है लगभग 28.29 किलोमीटर। कितनी है? 28.29 किलोमीटर। और यह है आगरा से मुंबई तक, तो ये जो NH 3 है यह आता है आगरा से मुंबई। NH 3 किसका पार्ट है? उत्तर से दक्षिण गलियारे का। और आगरा से मुंबई, इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं तो आगरा से मुंबई, और जब यह आगरा से मुंबई, इसका नाम है NH 3। और यह आगरा से मुंबई में राजस्थान के एक जिले से गुजरता है, जिसका नाम क्या है? धौलपुर। तो NH 3 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? धौलपुर से। किस जिले से गुजरता है? धौलपुर से। और लगभग कितना किलोमीटर लंबा है धौलपुर में? 28.29। जो NH 3 है वो किसका भाग है? उत्तर से दक्षिण गलियारे का भाग है। तो ये थी दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, जो आपने प्रथम चरण और द्वितीय चरण, जिनसे राजस्थान से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे, वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिए। अब आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की, जैसे राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वाला जिला या न्यूनतम सड़क घनत्व, इन क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है वो है राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला जो राजस्थान का है वो कौन सा है? तो उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। कौन सा है दोस्तों? उदयपुर। जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई वाला जिला तो वो है वर्तमान में सवाई माधोपुर। कौन सा है? सवाई माधोपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला तो उदयपुर, और राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई वाला जिला तो वो कौन सा है? सवाई माधोपुर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला
जिला। सर्वाधिक सड़कों का घनत्व राजस्थान के किस जिले में है, तो वो है राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद में है। जबकि सड़कों का न्यूनतम घनत्व वाला जिला तो वो कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है राजसमंद में, जबकि न्यूनतम जो घनत्व है वो कहाँ है? जैसलमेर में। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि सड़कों का सर्वाधिक लंबाई वाला जिला, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला तो वो है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। सड़कों की न्यूनतम लंबाई वाला जिला तो वो है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। ये हैं कुछ सर्वाधिक व न्यूनतम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आगे एक क्वेश्चन और रह सकता है कि मार्च या वर्तमान में राजस्थान में सड़कों का घनत्व या सड़क घनत्व कितना है, तो वो है 69.12। सड़कों का घनत्व 69.12 प्रति 100 किलोमीटर, 69.11। इसको दोस्तों याद रखना है, सड़कों का वर्तमान में घनत्व पूछा जाए राजस्थान में तो वो कितना है? 69.12 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो राजस्थान से रिलेटेड बनते थे। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राजस्थान का वह जिला जिससे सर्वाधिक NH गुजरते हैं तो वो कौन सा है दोस्तों? पाली। और पाली से कितने NH गुजरते हैं? 7 NH गुजरते हैं। कितने NH गुजरते हैं पाली से? 7 NH गुजरते हैं। तो एक बार वापस देखें इनको, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि राजस्थान का वह या वे कितने राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले से गुजरते हैं और उसी में क्या होते हैं समाप्त, वो कितने हैं? 3। जबकि राजस्थान का वह जिला जिससे सर्वाधिक NH गुजरते हैं तो वो कौन सा है? पाली। और कितने NH गुजरते हैं? 7। तो इनको एक बार वापस सुने, राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक लंबाई वाला जिला उदयपुर, राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई वाला जिला सवाईमाधोपुर, सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला राजसमंद, सड़कों का न्यूनतम घनत्व वाला जिला जैसलमेर, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला जोधपुर, और सड़कों की न्यूनतम लंबाई वाला जिला धौलपुर। सड़कों का घनत्व वर्तमान में कितना है तो दिसंबर 19 तक है तो वो है 29.12 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। तो हमें याद रखना है 29.12 क्या है वर्तमान में राजस्थान का सड़क घनत्व। और राजस्थान का वह जिला जिससे सर्वाधिक NH गुजरते हैं तो वो कौन सा है? पाली है। और जिससे कितने NH गुजरते हैं? 7 NH गुजरते हैं। कितने NH? 7। तो ये थे राजस्थान में NH से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या बनने वाले कुछ क्वेश्चन। और राजस्थान का NH थे वो दोस्तों मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब आगे बात करेंगे अपन, तो अपन जो परिवहन था, परिवहन की बात की जाए तो परिवहन को 3 भागों में डिवाइड किया था, स्थल और वायु। उसमें जल आपको नहीं पढ़ना है। तो स्थल और वायु की बात की जाए तो स्थल में किसकी बात की है? सड़क परिवहन की। किसकी बात की है? सड़क परिवहन की। आगे स्थल में बात करेंगे अपन रेल परिवहन की। किसकी करेंगे? रेल परिवहन की। और पाइपलाइन परिवहन की बात करेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे वायु परिवहन की। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।